नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोपाल में आज रात होने वाली भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक पर, नगर निगम चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पर, कांग्रेस की इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 और 5 की रणनीति पर और कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला के जनसंपर्क अभियान की विधिवत शुरुआत पर। भाजपा के प्रदेश कोर ग्रुप की बहुप्रतीक्षित बैठक आज शाम भोपाल में हो रही है। इस बैठक में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, संगठन महामंत्री मध्यप्रदेश के हितानंद, प्रभारी मध्यप्रदेश के जो हैं मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित पार्टी के कुछ और दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्टी की गाइडलाइन पर चर्चा होगी और उसे संभवतः आज ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दरअसल गाइडलाइन बनाने के मामले में पहले ही काफ़ी विलंब हो चुका है और इसके कारण अनिश्चय की स्थिति है। पार्टी के कार्यकर्ता भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कहाँ उन्हें दावेदारी प्रस्तुत करना है और कब नहीं करना है। इसलिए गाइडलाइन को लेकर ऐसा मेरा मानना है कि आज की जो बैठक है कोर ग्रुप की, उसमें गाइडलाइन अंतिम रूप ले लेगी। संभावना यह है कि इस बैठक में आज महापौर पद के नामों पर भी विचार विमर्श होगा और जहां ज़्यादा विवाद की स्थिति नहीं है वहां के उम्मीदवारों के नाम कोर ग्रुप अनुमोदित भी कर सकता है। दरअसल कांग्रेस ने 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में 16 नगरीय निकायों में से 15 के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। केवल एक रतलाम के उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर हलचल है कि आखिर भाजपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगी। क्योंकि भाजपा में संभागीय चयन समितियों का गठन नहीं हुआ था और इन संभागीय चयन समितियों की कहीं ना कहीं नामों की स्क्रूटनी और सही नाम आगे बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहना, क्योंकि इनका गठन ही नहीं हुआ था इसके कारण ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब लग रहा है कि आज कोर ग्रुप में गाइडलाइन तय हो जाएगी, उसके बाद संभागीय चयन समितियां अपना काम शुरू कर देंगी और जो नाम कोर ग्रुप तक पहुंचेंगे उसे जल्द ही अनुमोदित कर प्रदेश चुनाव समिति को भेज दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में जो ऊहापोह की स्थिति है उम्मीदवारी के मामले में, वो आज रात तय होने वाली गाइडलाइन के बाद दूर होती दिख रही है। पार्टी इंदौर में जो पार्टी के नेता, वो यह भी मान रहे हैं कि इंदौर के उम्मीदवार का फैसला करने में सबसे अहम भूमिका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही रहना है। इंदौर शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर है, इसीलिए इंदौर के कई नेता बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि इंदौर का महापौर पद तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोटे में है। वह जिसे चाहेंगे उसे ही मौका मिलेगा, वही उम्मीदवार होगा। इस स्थिति का फायदा मुझे सबसे ज़्यादा डॉक्टर निशांत खरे को मिलता दिख रहा है। वे पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री के बेहद नज़दीकी हैं। कोरोना के काल में मुख्यमंत्री उनसे सतत संपर्क में रहते थे और कोरोना काल की समाप्ति के बाद भी डॉक्टर निशांत खरे को जिस तरह से भूमिका दी गई है और वो इन दिनों काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, संघ से वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में वो बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं और कई मामलों में सरकार, पार्टी और स्थानीय प्रशासन के बीच में समन्वयक की भूमिका में। तो यदि मुख्यमंत्री के खाते में इंदौर के महापौर का पद गया तो इसका फायदा निश्चित तौर पर डॉक्टर निशांत खरे को मिलेगा। पार्टी की जो गाइडलाइन है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पार्टी की गाइडलाइन तय नहीं होने के कारण अभी संभागीय चयन समितियां लगभग खाली हैं। अब इतना हो रहा है कि संभागीय चयन समिति के जो संयोजक हैं, प्रदेश संयोजक हैं, उनके पास दावेदार पहुंच रहे हैं और अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में मैंने देखा है कि इंदौर के जो संयोजक हैं मधु वर्मा, उनके पास बड़ी संख्या में पार्षद पद के दावेदार पहुंचे और अपनी दावेदारी रखी। लेकिन इन समितियों के सामने भी चूंकि अभी तक गाइडलाइन नहीं बनी तो बहुत अस्पष्टता की स्थिति है और यह भी अभी तय नहीं है कि इन समितियों को केवल पार्षदों के नामों पर काम करना है या महापौर पद के लिए भी कोई व्यवस्थित नाम या नामों का पैनल कोर ग्रुप और प्रदेश चुनाव समिति तक बढ़ाना है। नामों की दौड़ में जो इंदौर से दावेदार अभी तक सामने आया उसमें एक दावेदारों की दौड़ में एक नया नाम भी शामिल हो गया और ये नाम है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे संघ और स्वदेशी जागरण मंच के बहुत पुराने कार्यकर्ता मनोज द्विवेदी का। द्विवेदी विद्यार्थी परिषद के दौर में वी डी शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
उनके बहुत नज़दीकी रहे हैं और स्वदेशी जागरण मंच की टीम में वे मुरलीधर राव के साथ काम कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में यह संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों नेताओं का समर्थन मनोज द्विवेदी को मिल सकता है। तो ये मनोज द्विवेदी आज नया नाम एक सामने आया है और इस नाम ने सबको चौंकाया भी है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि इंदौर में 85 में से 30 से ज़्यादा वार्डों में भारतीय जनता पार्टी में स्थिति लगभग स्पष्ट है, यहाँ सिंगल नाम है। 25 वार्ड ऐसे हैं जहाँ तीन तीन नाम के पैनल हैं और 19-20 वार्ड ऐसे हैं जहाँ बहुत विवाद है, यहाँ पार्टी के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप से ही मामला सुलझ पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में भी धीरे धीरे उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जैसे ही आज रात को गाइडलाइन आती है उसके बाद संभागीय चयन समितियों का काम तेज हो जाएगा। आज रात जो बैठक कोर ग्रुप की भोपाल में हो रही है उसमें कुछ शहरों के महापौर पद को लेकर भी अंतिम फैसला हो सकता है जहां ज़्यादा विवाद की स्थिति नहीं है, लेकिन इंदौर के महापौर का फैसला, इंदौर के महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला इतनी जल्दी और इतनी आसानी से होता तो नहीं दिख रहा है। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला यूं तो पिछले कई दिनों से लोगों के बीच आ जा रहे थे, लेकिन आज संजय शुक्ला ने अपने जनसंपर्क की विधिवत शुरुआत कर दी है। पिछले 10 दिनों में वे शहर के अलग अलग हिस्सों में गए, लेकिन व्यापारिक समूहों से, समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से सामूहिक मुलाकात की, लेकिन आज से संजय शुक्ला ने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने अपनी कुलदेवी के दर्शन किए, उसके बाद बाणगंगा स्थित शुक्ला निवास पर आकर अपने पिताजी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णुप्रसाद शुक्ला और बड़े भाई राजेंद्र शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी आशीर्वाद लिया। अपनी माताजी जिनका कि साल भर पहले ही निधन हुआ उनकी तस्वीर को प्रणाम किया और उसके बाद जो है उन्होंने मरी माता चौराहे पर स्थित गणेश मंदिर के दर्शन किए, परशुराम प्रतिमा के दर्शन किए और फिर प्राचीन बड़ा गणपति मंदिर में पूजा अर्चना कर जनसंपर्क के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि शुक्ला और बेटा सागर भी थे। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आज संजय शुक्ला के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत के मौके पर बड़ा गणपति पर मौजूद थे। ऐसा बताया जा रहा है कि संजय अपना नामांकन 15 जून को दाखिल करेंगे और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। कमलनाथ संजय को गांधी भवन से रैली की शक्ल में कलेक्टोरेट ले जाएंगे जहां वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी दिन कमलनाथ जो है कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं, स्थानीय कोर ग्रुप से भी संवाद करेंगे और मीडिया के साथियों के साथ भी उनका एक संवाद प्रस्तावित है। जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवाने के लिए कमलनाथ आ रहे हैं, वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जैसे ही तय होता है महापौर पद के लिए उनका प्रत्याशी और 85 वार्डों के पार्षद तय होते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर आएंगे और उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस को लेकर एक खबर यह भी है कि इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल फिर एक जाजम पर बैठे और विधानसभा 3 और 5 के जो पार्षद पद के दावेदार हैं उनके नामों पर चर्चा की। संतोषजनक यह रहा कि कल 3 नंबर पर जब विचार विमर्श शुरू हुआ 3 नंबर के पार्षद पद के दावेदारों के नाम पर तो पिंटू जोशी और अश्विन जोशी दोनों मौजूद थे, लेकिन बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ के नामों पर चर्चा हुई। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनमें विजय लक्ष्मी साधो भी मौजूद थी जो कि इंदौर संभाग की पर्यवेक्षक है, ये सारे नेता भी चौंक पड़े कि आखिर इतनी सौहार्दता कैसे बहुत जल्दी दोनों चचेरे भाइयों के बीच में आ गई। ज़्यादातर वार्डों को लेकर यहाँ स्थिति स्पष्ट है। यहाँ के एक वार्ड में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल चाहते हैं कि उनके समर्थक शैलू सेन की पत्नी को टिकट मिल जाए, इसको लेकर एक राय नहीं बन पा रही है, लेकिन विनय बाकलीवाल यहाँ पर जो है वो वीटो कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाकी वार्ड में आप 3 नंबर के किसी को भी टिकट दे दीजिए लेकिन एक वार्ड में मेरे समर्थक को मौका देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर 3 नंबर के वार्डों में स्पष्टता की स्थिति बनती नजर आ रही है। दोनों जोशी बंधुओं अश्विन और पिंटू जोशी के लगभग समर्थक जितने हैं, जो प्रमुख समर्थक हैं, वो एडजस्ट होते नजर आ रहे हैं इन वार्डों में। 5 नंबर में जैसा मैंने आपसे कल भी कहा था कि सत्यनारायण पटेल, स्वप्निल कोठारी और अमन बजाज चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक एडजस्ट हो जाए, तो कल 5 नंबर के उम्मीदवारों को लेकर भी बातचीत हुई है और एक स्पष्ट राय कल बनती नजर आ रही है कि कौन सबसे भारी है, किसे मौका दिया जाना चाहिए और जीत की सबसे ज़्यादा संभावना किस में। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह भी है कि
इंदौर के कुछ वार्डों में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपनी रुचि दर्शाई है। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि उनके समर्थकों को इन वार्ड में मौका मिले। जैसे छोटे यादव बहुत वरिष्ठ पार्षद हैं, चार बार अलग अलग वार्डों से चुनाव जीत चुके हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्हें इस बार वार्ड क्रमांक 51 यानी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 51 जो मूसाखेड़ी क्षेत्र से लगा हुआ है वहां से मौका दे दिया जाए। यहां से कांग्रेस के युवा नेता संजय संतोष यादव काफी समय से मेहनत कर रहे थे, यदि दिग्विजय सिंह की अनुशंसा पर छोटे यादव को टिकट देने का मौका आता है तो फिर संतोष यादव को पार्टी को किसी अन्य प्रकल्प में एडजस्ट करना पड़ेगा या किसी अन्य वार्ड से उनकी दावेदारी के बारे में सोचना पड़ेगा। इसी तरह दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि खजराना का जो एक वार्ड है वहां से रूबीना इकबाल को मैदान में लाया जाए। रूबीना इकबाल जो है दो बार कांग्रेस का टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ी और दोनों बार चुनाव जीती। दिग्विजय सिंह का स्पष्ट मानना है कि वे अपना वजन दिखा चुकी हैं, इसलिए चूंकि उनके पति इकबाल खान कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इंदौर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह का मानना है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। तो इंदौर के कुछ वार्डों में जो है बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हो रही है, जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी दखलंदाजी चाहते हैं और स्थानीय नेतृत्व के सामने पशुपेश की स्थिति। इंदौर को लेकर एक स्थिति में और आपसे स्पष्ट कर दूं कि इंदौर में पार्षद पद के टिकट को लेकर स्थानीय नेता कितनी भी कवायद कर लें, बार बार बैठ लें, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रवार बैठकें कर लें, लेकिन मुझे इंदौर के पार्षद पद के उम्मीदवारों का टिकट भोपाल से ही अंतिम रूप लेता नजर आ रहा है। क्योंकि इंदौर में दिग्विजय सिंह चाहते हैं उनके समर्थकों को टिकट मिले, अरुण यादव चाहते हैं उनके समर्थक एडजस्ट हो, सुरेश पचौरी चाहते हैं उनके समर्थकों को मौका मिले, कांतिलाल भूरिया चाहते हैं कि उनके समर्थकों को भी मौका मिले। ऐसी स्थिति में इंदौर में बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हो रही है, स्थानीय टीम के सामने भी बड़ी विचित्र स्थिति है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इंदौर के टिकट का फैसला कमलनाथ की कलम से ही होगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई घटनाओं, नई जानकारियों और नए मुद्दों के साथ।